सरकार हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, ना तो हमारे पास उचित पूंजी मिल रहा है, ना तो हम लोगों को बाजार मिल रहा है। सुबह का 4 स्थान को लिया गया, उसमें भागलपुर के साथ साथ कादिरगंज भी आया। हम लोगों को खुशी हुई, हम लोगों को लगा कि हम लोग के दिन अच्छे आएंगे, लेकिन बस इंतजार है। स्थानीय अधिकारी हर बार आते हैं, हम लोगों को भी लगता है कि यह अहिल्या रूपी बुनकर समाज का दिन फिरेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। चुनावी मौसम है, इसमें बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत सारा आश्वासन शायद ऊपर से तारा भी तोड़कर हम लोगों के हाथ में दे देंगे। इससे लगे हुए बहुत सारे लोग पलायन कर गए, कोई सिंदूर बेचता है, कोई टिकली बेचता है, कोई सब्जी बेच रहा है। हम लोग का ये पीढ़ियों से आ रहा है, इसके प्रति हम लोगों का मोह है, हम लोग इसी में जीना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हैंडलूम दिवस है और इस अवसर पे हम आज नवादा जिले के कादिरगंज में हैं, जहाँ पे करीब 250 परिवार सदियों से हथकरघा चलाकर कपड़ा तैयार करते आ रहे हैं। तो हम इन चीज़ों को समझने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ के लोकल हैं। हम बताइए अपना पहले परिचय बताइए। मैं नवीन कुमार भारती, ग्राम कादिरगंज, जिला नवादा, बिहार का निवासी हूँ। थोड़ा हैंडलूम के बारे में बताइए, कब से चल रहा है, क्या कहानी है? ये हैंडलूम सदियों से ये परंपरागत बिजनेस हम लोग का है, और पुश्तैनी बिजनेस होने के कारण हम लोग पूरे परिवार इस कार्य में लगे हुए हैं। महिलाएं सूत निकालती है और पुरुष लोग इसको प्रोसेस में डालते हुए अंत में कपड़ा बुनाई होता है, जो पुरुष लोग करते हैं। यहाँ के बच्चे लोग भी इस कार्य में मतलब कि स्थान रखता है, और यहाँ के कारीगर जो है हुनरमंद है, यहाँ के पूरा कारीगर अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़ा का निर्माण करते हैं। कब से चली आ रही है ये कहा नहीं जा सकता है, ये सदियों से चला आ रहा है, शायद हमारे दादा के दादा के दादा, अब समझ लीजिए इसको, मतलब कि बोला नहीं जा सकता है कि कब से ही चला आ रहा है। बस अब क्या हाल है इसका? अभी कोकुन जो है, इसका कोकुन जो है वो छत्तीसगढ़, ये झारखंड, अन्य राज्यों से आता है, लेकिन ये कोकुन जो है अतिवृष्टि अनावृष्टि पर निर्भर करता है। ज़्यादा बारिश होने पर भी कोकुन नहीं हो पाता है, और कम बारिश होने पर भी कोकुन नहीं हो पाता है। एक सामान्य तापमान में ये उपज होता है, इसे कीड़े के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन कीड़ा मर जाने के कारण बहुत दिन से इधर करीब 5 साल से बढ़िया से ये फल हो नहीं रहा है, कोकुन हो नहीं रहा है, जिसके कारण बुनकरों की स्थिति अभी, जब कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ से इस उद्योग को आगे बढ़ाएंगे। इससे लगे हुए बहुत सारे लोग पलायन कर गए, कोई सिंदूर बेचता है, कोई टिकली बेचता है, कोई सब्जी बेच रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग का ये पीढ़ियों से आ रहा है, इसके प्रति हम लोगों का मोह है, हम लोग इसी में जीना चाहते हैं, और देश में एक हैंडलूम का स्थान रहे इसको रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो हैंडलूम दिवस भी शुरू किए, तो इसमें कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हैंडलूम दिवस 2015 में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया, लेकिन इससे हम लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ है। अभी विगत 2 साल पहले सुबह का 4 नहीं, ये नीतीश कुमार जी के द्वारा सुबह का 4 स्थान को लिया गया, उसमें भागलपुर के साथ साथ कादिरगंज भी आया। हम लोगों को खुशी हुई, हम लोगों को लगा कि हम लोग के दिन अच्छे आएंगे, लेकिन बस इंतजार है। मीडिया के लोग बराबर आते हैं, हमारी बदहाली पर लेख भी लिखते हैं, हमारे बदहाली पर कोई डॉक्यूमेंट्री भी तैयार करके देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। सरकार हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, ना तो हमारे पास उचित पूंजी मिल रहा है, ना तो हम लोगों को बाजार मिल रहा है, और ना ही कुछ सरकार के तरफ से हुनरमंद किया जा रहा है। स्थानीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका? स्थानीय अधिकारी हर बार आते हैं,
हम लोगों को भी लगता है कि ये अहिल्या रूपी बुनकर समाज का दिन फिरेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग को कुछ नहीं मिला, जो भी आते हैं सिर्फ वादा करके चले जाते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं। अब तो चुनाव का समय है तो और बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए। हाँ, अभी तो चुनावी मौसम है, इसमें बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत सारा आश्वासन शायद ऊपर से तारा भी तोड़कर हम लोगों के हाथ में दे देंगे, लेकिन वो आ नहीं पाता। इसे हम लोग क्या चाहेंगे, जो मतलब नेता जी या फिर जो अधिकारी आते हैं और आप लोग का दिन नहीं बदलता है, उसको क्या कहेंगे? अधिकारी लोग आते हैं वो तो अपना चेहरा दिखा देते हैं, लेकिन हम लोग का बदहाली जीव का सिंह रह जाता है। उन्हें तो फायदा हो जाता है, लेकिन हम लोग जो है जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रह जाते हैं। अगर यहाँ के नेता लोग, मंत्री लोग, जो गांधी का सपना था, उसको अगर थोड़ा भी उस पर ध्यान दे तो शायद हमारा देश का नाम विदेशों में जिस तरह पहले होता रहेगा। नेता लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि ये देंगे वो देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता है एक्चुअली कुछ नहीं। हम लोग का जो गरीबी है यथावत है। और क्या दिक्कत क्या है मूल रूप से? मूल रूप से दिक्कत है हम लोग के पास पूंजी का अभाव है, बाजार का अभाव है, और जो परंपरागत ढंग से आ रहा है हर जगह बढ़ रहा है सब कुछ हुनर, लेकिन हम जो है वही के वही है। इस पर अगर ध्यान दिया जाए, ट्रेनिंग का व्यवस्था हो, बगल के ही राज्य झारखंड है, झारखंड में एक झार क्राफ्ट नामक संस्था है जो सरकारी संस्था है, सरकार उसे ऐड देती है और वो संस्था वहाँ के बुनकरों के बदहाली पर काम करता है। आज वहाँ के बुनकर धीरे धीरे खुशहाल हो रहे हैं, लेकिन हमारा बिहार में सभी कुछ रहते हुए भी ना सही दिशा में है ना सही दशा में हम लोग बदहाली जो करते हैं। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद तो बहुत है, जब सरकार है तो उम्मीद है, लेकिन जब जनता पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो सरकार किस काम का। जैसे अब जब दौर बदल गया, पावर लूम का दौर आ गया, तो हैंडलूम को क्यों आप लोग? इसीलिए कि हैंडलूम हमारा पुश्तैनी धंधा है और भारत की पहचान हैंडलूम से है, कपड़ा में। लेकिन अभी जो भी है लोग इस हैंडलूम पर ही आश्रित हैं। हैंडलूम का मतलब कि जो विशेषता है, ये नेचुरल चीज हुआ। इसमें जो भी कपड़ा बनाया जाता है तो कपड़ा के पहले का जो प्रोसेस है वो औरत लोग खुद अपने शरीर का उपयोग करते हुए इस धागा को निकालती है और इस धागा को लूम पर लाया जाता है। लूम पर आने के बाद ये धागा कहीं मोटा कहीं पतला कहीं ऊंच कहीं नीच होता है, जो इसकी पहचान है। दूसरी बात है कि हैंडलूम पर यह धागा चल सकता है, ये धागा जो है पावर लूम पर नहीं चल सकता है। आर्टिफिशियल जब तक इसमें समाहित नहीं किया जाएगा, मिलाया नहीं जाएगा, ये बनेगा ही नहीं। इसलिए हैंडलूम में 100% प्योर रहता है। हैंडलूम में 100% प्योर सिल्क होता है। अच्छा। और प्योर सिल्क पावर लूम पर नहीं बन सकता है, इसलिए आप लोग इसको इसको चला रहे हैं। और कॉस्टली भी होता होगा और मेहनत भी वाला। हाँ, मेहनत तो बहुत है, मेहनत के अनुसार बाजार हम लोग को कीमत नहीं मिलता है। लेकिन गांधी जी का सपना को हम लोग साकार करने में लगे हुए हैं अपनी दुर्दशा के बावजूद।